मेरे साथ एक साल पहले हुआ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। यार एग्जाम आने वाले हैं ना, और मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है यार। तैयारी तो मेरी भी नहीं है। पहले तो सोचती थी पूरी साल मस्ती मजाक में काट दूं, आखिरी के महीने में पढ़ लूंगी, लेकिन अब तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी तो मैथ की तैयारी हो रखी है, बट फिजिक्स तो करना ही पड़ेगा ना यार। यार एक काम करते हैं, आज ना छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुक जाते हैं, घाई पे बैठ के पढ़ लेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे लाइब्रेरी में मस्त आराम से। और घर में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है यार, इससे अच्छा स्कूल में ही कर लेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे। सही बोल रही है, घर पे पढ़ाई कहाँ हो पाती है, मम्मी काम में लगा देती है, कुछ भी करा लेती है। वैसे यार मैं ना घर में पढ़े पढ़े बोर ही हो जाता हूँ, तुम्हारे साथ आके मैं भी टाइम पास कर लूंगा। तुम तीनों पागल हो चुके हो क्या, स्कूल में रुकने की बात कर रहे हो? तुम लोगों ने स्कूल की रात के भूत वाले किस्से नहीं सुने हैं क्या? यार तू भी उन मनगढ़ंत कहानियों पे बिलीव करती है क्या? हाँ यार मैंने तो सुने हैं। हाँ यार ये सब मनगढ़ंत बातें, कुछ नहीं होता ये सब। हाँ भूत वूत कुछ नहीं होते। और तूने आज तक भूत देखे हैं कहीं? नहीं। हाँ तो फिर क्यों डर रही है? हम तो डरते नहीं है, हमारे ग्रुप में भी तो एक भूत है ना। यार भूत भूत कुछ नहीं होता, लोग पागल बनाते और तू बनती है। अरे यार कुछ नहीं होता ऐसे, देख हम लोग तो आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तू देख ले तुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना। ठीक है जब तुम लोग साथ हो तो मैं भी पढ़ लूंगी। अरे डरना बंद कर यार, कुछ नहीं होता, भूत भूत पता है, इन बातों में मत पढ़। नहीं नहीं आप लोग सोच रहे होंगे ये सब मेरे साथ मेरे दोस्तों ने किया है, पर नहीं। यार मैं क्या कह रही हूँ, एक बार फिर से सोच लो तुम लोग, चलते हैं ना घर चलते हैं। यार पढ़ने के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा क्या? पहले ही बोला था ना हम रुकने वाले हैं और साथ में स्टडी करेंगे। मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, अपने घर पे कर लेंगे ना ग्रुप स्टडी, घर चलते हैं। अबे यार इतने डरपोक क्यों है तू, डरने वाली कौन सी बात है, हमारा स्कूल है हमारी क्लास है, चुपचाप से पढ़ ले। और तेरे को पहले ही बोला था ना आज रुक के पढ़ेंगे, पढ़ ले। मेरे को तो डर लग रहा है, घर चलते हैं, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ और तुझे जाना तो चली जा तू, हम लोग तो ना ये पढ़ के ही जाएंगे। सही बोल रही है वो, तेरे को जाना है तो चली जा अभी, बाद में ना डिस्टर्ब मत करियो। चल ठीक है जब तुम सब रुक रहे हो तो थोड़ी देर तो मैं भी रुक ही जाती हूँ। ठीक है चल पढ़ ले। अच्छा सुन तेरे को ये वाला चैप्टर नहीं आता ना, मैं समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो वॉचमैन है वही चोर होता है। ठीक है ये वाला हाईलाइट कर। सुनो चलते यार घर, अब मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ, मेरे को लगा कि तुम यहाँ पर खेलोगे आकर मस्ती करोगे, तुम तो यहाँ पर पढ़ने बैठ गए यार। स्कूल में पढ़ने ही आते हैं, और पहले ही बोला था ना तेरे को कि हम पढ़ाई करने के लिए रुक रहे हैं, कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं रुक रहे। देखो यार मैं हो गया हूँ बोर, जा रहा हूँ अपने घर सोने, तुमको चलना है तो चलो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है जा, इसका ना पढ़ने में मन ही नहीं है, चल नेक्स्ट चैप्टर निकाल लेते हैं। अच्छा सुन काम करेंगे कल। हाँ ये कवर कर देंगे कल क्लास में। यार रिंकी 7 बजे यार घर चले। यार तू पागल हो गई है, अभी 4 चैप्टर बचे हुए हैं, और अगर ये कंप्लीट नहीं किए ना मेरा पूरा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। अभी नहीं जा रहे, थोड़ी सी देर बाद चलते हैं।
देख अंधेरा हो जाएगा और फिर ना मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, और मैं तो जा रही हूँ, अगर तुम लोगों को चलना है तो मेरे साथ चलो। अबे यार साथ ही तो बचे हैं, कौन सा तू तो इतनी दूर रहती है, चार गली छोड़ के तेरा घर है, फालतू में डरती रहती है। मैं नहीं रुक रही, तुम्हें चलना है? देख मैं तो नहीं जा रही अभी, मैं तो चैप्टर कम्प्लीट करके ही जाऊंगी, तू जा रही है क्या? नहीं यार मैं भी नहीं जा रही, अभी जो लेके बैठे हैं खत्म करके ही जाएंगे ना। तो मैं तो घर पे कर लूंगी। ठीक है चल बाय। ठीक है बाय, आ जाओ तू आगे आ जाओ। अच्छा सुन मेरे को ना ये वाला चैप्टर समझा दे अभी। ठीक है तो मुझे ये वाला पढ़ा देगी ना फिर? यार देख इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं है, पहले हमें बोर्ड मार्क्स लगाना है और फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री करना है इसमें। ठीक है ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ देख आ गया ना आंसर। ठीक है और चलो तीन चैप्टर बाकी हैं, अब तेरे को ये समझाना है। हाँ ये वाला पढ़ा दे यार। तो इसमें ना ये था चैप्टर में ओवरऑल बता, शिट 9 बज गए यार पढ़ते पढ़ते हमें, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। हाँ यार पर अभी 2 चैप्टर बाकी हैं, थोड़ी सी देर रुक जाना फिर मैं भी साथ में चलूंगी। लेकिन मेरी गली बहुत दूर है यार, और तुझे पता तो है कितना सुनसान रास्ता है, मेरे को तो जाना चाहिए यार। ऊपर से जब गली से निकलती हूँ ना पता है कुत्ते कैसे भौंकते हैं, और डर लग जाता है। चल ठीक है फिर एक काम कर तू निकल जा, वैसे भी 9 बज गए हैं और तेरी गली ना पूरी सुनसान रहती है। मैं तो पास में ही रहती हूँ, 2 गली छोड़ के मैं चली जाऊंगी ये चैप्टर कंप्लीट करके। चल ठीक है फिर मैं जाती हूँ। टेक केयर। हाँ बाय बाय बाय। मुझे बता दो कौन है? वॉचमैन अंकल आप हो क्या? कौन है यार? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है कहीं से? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और अकेली हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। वहम तो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। कोई है क्या? हेलो कौन है वहां? हेलो मैम कोई है क्या?
कौन है? वॉचमैन अंकल आप हो क्या? हेलो, मैं भी ना पागल हो जाऊंगी। आज सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है और इतना सुनसान क्यों है आसपास सब? और ये रोड तो डेली खचाखच गाड़ियों से भरी रहती थी, लेकिन आज तो यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है और टाइम भी बस 10 ही बजे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ तो गलत है। मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। नहीं नहीं, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, पर कभी कभी अपने दोस्तों की बात सुन लेनी चाहिए। अरे मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? जो मैंने बताया ना वो बिल्कुल सच है। यार तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया था। हाँ तो चश्मा लगाया करना, बिना चश्मे के घूमती फिरती है इधर उधर। देख तूने ही मुझे बताया था कि स्कूल में कोई साया है या कुछ तो ऐसा है, अब तू ही मना कर रही है, तू ही मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही है। तू उस बात को लेके बैठी हुई है क्या? अरे भाई वो तो मैंने ऐसे डराने के लिए बोल दिया था तेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होते। देख मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सिद्धांत तू तो मेरी बात पे बिलीव करता है ना यार। देख रिंकी, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे भी नहीं करता, तेरे पे तो तब करूंगा। यार देखो ऐसे यकीन तो मैं भी नहीं करती हूँ, पर अगर मैं अपनी आंखों से देख लूँ ना तो हो सकता है कि मैं यकीन कर लूँ। मतलब तू मेरी बात पे यकीन करती है? मैं सच बोल रही हूँ, तू मेरी बात का यकीन तो कर यार। यार देखो वैसे सुना तो मैंने भी है और मैंने पढ़ा भी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं असली में। एग्जैक्टली ऐसी एक्टिविटीज होती हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है उस एनर्जी को। ऐसा है, तुम दोनों को अगर भूत देखने ना तो तुम लोग देखो, हमें कोई शौक नहीं है भूत देखने का। चल। देख तू मेरी बात पर सच में यकीन कर रही है ना? यार देख मैं अभी भी कह रही हूँ मैं यकीन नहीं करती, पर अगर मैं देख लूँ तो हो सकता है कि मैं कर लूँ। मैं तेरे को अब ठीक कैसे कर रहा हूँ? एक काम करते हैं, कल ना स्कूल की छुट्टी के बाद हम स्कूल में ही रुक जाते हैं और फिर देखते हैं अगर कुछ मिलता है हमें तो। हाँ ये सही रहेगा। हाँ तो ठीक है, फिर कल स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुकेंगे। ये बच्चे कब जाएंगे स्कूल से? बस एक बार ये बच्चे चले जाएं, उसके बाद ना पूरे स्कूल में चेक करेंगे कि आखिरकार वो चीज थी क्या जो मुझे कल दिखी है। यार वो सब तो ठीक है, पर हम इस सब के चक्कर में ना कहीं फंस ना जाएं। अरे यार पर पता तो लगाना ही है ना कि आखिरकार वो था क्या, या तो कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है या तो वो सच में भूत है। बच्चों
छुट्टी तो कब की होगी है, तुम तो घर नहीं गए, चलो अपने घर जाओ। वो अंकल हमें ना स्कूल में थोड़ा जरूरी काम था तो बस इसीलिए रुके हुए थे, बस अभी निकल ही रहे हैं। अच्छा क्या काम था? वो अंकल हमारे ना एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमने सोचा कुछ नोट्स बना लें, बस लाइब्रेरी से आके चले जाएंगे। ठीक है नोट्स बनाओ और घर जाओ। हाँ हाँ अंकल, बस 15 मिनट का काम है, हम वो नोट्स बनाते हैं और फिर जाते हैं घर। और तुम्हें पता है ना स्कूल में लेट नाइट तक रुकना मना है। हाँ अंकल हमें पता है, चले जाना टाइम से। थैंक गॉड इन अंकल को हम पे शक नहीं हुआ, अगर 1% भी शक हो जाता ना हम तो काम से गए थे। स्कूल भी खाली हो चुका है, चल उधर से शुरू करते हैं। सुन कल वो औरत मुझे वहां दिखी थी, यहाँ तो लेकिन कुछ नहीं दिख रहा। एक काम कर तू, तू उधर जाके देख, कुछ भी अजीब चीज दिखे कुछ भी तो मुझे बताना, मैं उधर चेक करती हूँ। कहीं कोई सबूत नहीं है, ना कोई काला कपड़ा, ना कोई ऐसी अलग चीज जो मुझे बता सके कि आखिरकार ये कौन सी बेटी का पता पूछ रही थी, कौन है ये दोनों माँ बेटी और मुझे ही क्यों दिखी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रिंकी, रिंकी। अरे इधर ही दो। अच्छा ये पता तेरे को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तुझे मिला? नहीं कुछ भी नहीं मिला। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो चीज थी क्या और उसकी बेटी कौन है, कौन है वो बेटी और उसका हमारे स्कूल से क्या लेना देना है, समझ ही नहीं आ रहा। यार मुझे लग रहा है तूने ना मेरा पोपट बना दिया। वो दोनों कह भी देते कि भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं ही तेरी बातों में आ गई। देख कृत्या तू अकेली ऐसी लड़की है जो मेरी बात पे बिलीव करती है, प्लीज तू ऐसे मत बोल। और मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तेरे को क्यों डराऊंगी यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई तो था वहां। तेरी बात पे यकीन करके इधर आ गई थी ना, क्या हुआ कुछ मिला? तूने देखा था ना कुछ? क्या देखा था बता, आज आके हमने चेक करा है ना, तुझे दिखा कुछ? मुझे तो नहीं दिखा। तू सही बोल रही है शायद, और मैंने चश्मे भी नहीं लगाए हुए थे तो कुछ क्लियर भी नहीं है। यार मैं कह रही हूँ तू ना फालतू का स्ट्रेस ले रही है, तुझे ना रेस्ट की जरूरत है, हम घर चलते हैं, तू रेस्ट कर आराम से। शायद तू सही बोल रही है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, चल घर चलते हैं। अच्छा चल ठीक है तू जा, आराम से जाना। तू भी आराम से जाइयो। और अब डर तो नहीं लग रहा तुझे? नहीं नहीं मैं समझ चुकी हूँ, ये मेरे दिमाग का वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ चल ठीक है जाती हूँ, बाय। ओके बाय। नहीं। मुझे नहीं पता
मुझे मुझे नहीं नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। बताती है या नहीं? तुम गई नहीं अब तक? मैंने तुमसे पहले ही मना किया था ना। चलो चलो। देखो वॉचमैन अंकल, मुझे सच सच बता दो कि आखिरकार वो औरत कौन है, और हाँ वो किसको ढूंढ रही है, कौन है उसकी बेटी, कहाँ चली गई, हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे सच सच बताओ। बेटा ये सब तुम्हारी जानने की बातें नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंकल आप जानते हैं मुझे 3 दिन से वो औरत दिख रही है, जिसका बस एक ही सवाल है मुझसे, मेरी बेटी कहाँ है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार उसकी बेटी को हुआ क्या है, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा तो तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? 3 साल पुरानी बात है। उस दिन वॉचमैन अंकल ने मुझे सच तो बताया, लेकिन आधा। तो तुम्हें समझ आया कौन थी वो औरत? हाँ समझ आया। अंकल मुझे एक बात बताओगे आप? हाँ बेटा पूछो। वो जो आंटी है उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में तड़प देखी अपनी बेटी के लिए, एक दर्द देखा है, मैं उनको मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। अगर उस औरत की अस्थियाँ पानी में बहा दी जाए तो वो मुक्त हो जाएगी, पर उससे पहले हमें उनकी अस्थियाँ ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर है। ठीक है मैं समझ गई मुझे क्या करना है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? मैं जानती हूँ उस लेडी के साथ बहुत गलत हुआ है, और इसीलिए वो इतनी डरावनी और खतरनाक हो गई है, क्योंकि उसको बदला लेना है। और गार्ड अंकल ने बताया था कि अगर हमने उसकी अस्थियां ढूंढ के पानी में बहा दी तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी अस्थियां ढूंढ के रहूंगी, ताकि उनको पानी में समर्पित कर सकूं। मेरा वहम है। झूठ बोला ना, अब तेरा भी वही हाल होगा। तूने भी मुझे बाकियों की तरह बेवकूफ बनाया ना, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, सबको। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहती हूँ, आप मेरी बात पर ट्रस्ट करो। मैंने सोच लिया है, मैं आपकी अस्थियां ढूंढूंगी और उन अस्थियों को पानी में समर्पित करूंगी, ताकि ताकि आपको मोक्ष मिल जाए। मुक्ति? वो भी मुझे मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरी जान चाहिए। देखो मैं आपका सच में कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तेरी जान चाहिए।
Ha ha ha.